अगर अल्लाह ने सब पहले से ही लिख लिया कि मैं कुछ अच्छा या बुरा करने वाला हूँ तो फिर मैं उसका जिम्मेदार क्यों? वो तो अल्लाह ने मेरी बुरी तकदीर लिखी, उसी की वजह से मैंने यह बुरा काम किया, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी? क्या सही में ऐसा है? आए जानते हैं। इसका जवाब एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक पहाड़ पे बैठे हो और आप देखते हो कि दो ट्रेन एक ही पटरी पे एक दूसरे के सामने से आ रही है और आप यह सब देखते हो और एक जगह लिख लेते हो कि कुछ समय में यह दोनों ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है और कुछ समय के बाद हो भी जाता है। अब क्या कोई आपको बोल सकता है कि आपने लिखी इसकी वजह से ट्रेन टकरा गई? नहीं ना। उसी तरह अल्लाह सब जानता है, हमारा पास्ट, वर्तमान और भविष्य, और वो उसने हमारे तकदीर में लिखा है। आपके सामने दो रास्ता है, एक रास्ता क्लब की तरफ जाता है और दूसरा मस्जिद की तरफ। तो अभी अगर आप क्लब की रास्ता लेते, वो अल्लाह को पता है कि आप क्लब की रास्ता चुनने वाले हो, इसीलिए उसने तकदीर में लिखा है कि हाँ, उसके सामने दो रास्ते आएंगे, क्लब और मस्जिद, वो क्लब की रास्ता चुनेगा। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने लिखा इसलिए आप क्लब गए हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह को पता है कि आप क्लब का रास्ता चुनने वाले हो, इसलिए उसने पहले से लिख दिया। अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया है, यानी हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उतनी आजादी अल्लाह ने हमें दी है और हम उस आजादी को कैसे जिएंगे, अच्छे या बुरे तरीके से, इसका हिसाब कयामत के दिन में होगा। इब्लीस ने अल्लाह को चैलेंज दिया है कि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह करेगा, गलत रास्ते पे ले जाएगा, और अल्लाह ने भी कह दिया कि जो मेरा बंदा होगा वो गलत रास्तों में कभी नहीं जाएगा। और अल्लाह हम हर बुरी चीज और फितनों से दूर रखे। सभी आमीन कहे, फॉलो करे ऐसे ही वीडियोस के लिए।